वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपको दिखाती हूँ शिवानु क्या कर रही है। शिवानु क्या कर रही है? अंकल क्या कर रहे हो? अंकल क्या कर रहे हो? शिवानु क्या कर रहे हो बता दो, क्या कर रहे हो बेटा? गेट क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो? आंटी करती है ना डस्टिंग, स्लाइम लेके डस्टिंग कर रही है। गिर गया बेटा स्लाइम, नीचे गिर गई। तो गाइस मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, यहाँ पे हनी का वेट कर रही हूँ। वहाँ जाऊँगी मम्मी का खाना बनाने और फिर हनी मुझे लेके घर आ जाएगा, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। मम्मी ठीक कर रही है बट हम ही उनको ज़्यादा काम नहीं करने दे रहे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप रेस्ट लो जितना ले सकते हो। सुबह उन्होंने ऑलरेडी टिफिन वगैरह पैक करे हैं, खाना वाना बनाया है, तो अब वो रेस्ट कर लेंगी। मैंने बोला शिवाना को कि वो धोने वाले कपड़े इस बास्केट के अंदर डालो, एंड शी इज़ डूइंग इट। थैंक यू बेटा, मम्मा का काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच। सियानू काम सारे डाल दो, सब्जी डाल दो। तो जैसे कि मैंने कहा था मैं अकेले निकल चुकी हूँ, ऑटो मेरा नीचे खड़ा है, मैं जाती हूँ मम्मी के वहाँ पे काम वाम ख़त्म करके थोड़ी देर बैठ के फिर हनी शिवानों को पार्क ले जाएगा और फिर मेरे पास ले आएगा। ऐसे हम मैनेज करेंगे, डिनर में हनी के साथ यहीं करूँगी। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बिग स्लाइम। मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आया हूँ, 15 मिनट हो गए मुझे ऑफिस से आए हुए, लेकिन विशाली गई अपनी मम्मी के घर पे खाने वाने में हेल्प करने के लिए, खाना बनाने में हेल्प करने के लिए। तो शिवानु और ऑस्टू दोनों यहीं पे हैं मेरे पास, तो इनका ध्यान मैं रखूँगा जब तक वो वहाँ पर काम कर रही है। फिर हम तो नहीं जाएंगे आज, उसको लेने जाएंगे बस, तो बाहर आ जाएगी और ले आएंगे जाकर। एक डेढ़ घंटे का काम है उसको, डिनर विनर बनाना है, वहाँ पर सब कुछ करना है। क्या हो बच्चा, अब देखो आप निकालो, खुद तो फंस गए हो, अब कैसे निकालूं मैं? आप क्यों फंसते हो यहाँ पर आके? जानबूझ के करती है शिवानी ये सब, सब कुछ जानबूझ के करती है ऐसे। आ जाओ, गुड गर्ल। मैगी बेटा गंदी, अच्छी 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 मैगी गिरी है नीचे। नई चीज सीखी शिवाना ने, किसी भी चीज़ को जो शिवाना की है वो हम लें तो वो कहती है इट्स माई। डैडा दे रहे, रुको इधर से आओ, बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो, तो बोलती है इट्स माई। अब आई विल ट्राई कि वो इस वक्त बोले तो आप देखो, अगर नहीं बोलती है तो फिर दोबारा जब बोलेगी तब मैं तब दिखाऊंगा आपको। ये किसका है? स्लाइम का। देख रहे हो हाल क्या कर दिया भाई, गंदी कर दी है ना स्लाइम, मुझे लगता है 2 स्लाइम्स मिक्स कर दिए इसने। ये किसकी है? डैडा ले ले, डैडा ले रहे हैं, नहीं डैडा ले रहे, डैडा ले रहे हैं, प्लीज ले लो, इतनी प्यार से बोल वेलकम। देखो जानबूझ के पापा बोलती है, इसको पता है कि हम मम्मा और डैडा हैं, बट ये टीवी में देखती है ना मम्मी और पापा बोलते हैं, तो ये जानबूझ के ना हमें छेड़ती है कभी कभी। मम्मी बोलेगी फिर हंसेगी, फिर बोलेगी मम्मा, पापा बोलेगी फिर हंसेगी, फिर बोलेगी डैडा। जानबूझ के करती है शिवानु, बहुत तेज़ है भाई इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। फिर फंसा गई, देखो जानबूझ के फंसाएगी अब, शी नीड्स अटेंशन, फंसा दिया ना। क्या हो गया बताओ, क्या हो गया? ए भगवान दिया, ऐसे कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? आप हटो, हट जाओ जरा डैडा, ऐसे इसको उधर करेंगे आप आ जाएगा नीचे, रुको। नहीं आया, ये लो आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड। उधर रेन गोवा में चल रहा है तो शिवानु को भी अम्ब्रेला चाहिए, डैडा ने निकाल के दिया इसको। बच्चा क्या क्या फरमाइश करता है, अम्ब्रेला कमरे के अंदर, अम्ब्रेला भाई कैसे कैसे एंटरटेन करना पड़ रहा है बच्चे को। वाओ शिवानु, नानी अम्ब्रेला नानी ने दी थी इसको, ये इसको याद है, बिग अम्ब्रेला सानू अम्ब्रेला। हाँ जी
हम लोग जा रहे हैं विशाली को लेने के लिए, स्कूटी पे जाएंगे मैं और शिवाना। और अगर पार्क में अभी भीड़ नहीं हुई तो इसको थोड़ा पार्क में घुमाऊंगा, नहीं तो विशाली को लेके आएंगे जब तब पार्क जाएंगे। ओह ऊपर से मेरे पैर में इतनी पेन है ना, बड़ी मुश्किल से उतर रहा हूँ मैं। गाइस अभी तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ और मैं आपको दिखाऊं, शिवानु सो चुका है, खड़े खड़े सो रही है भाई। मम्मी के घर पे खाना बना के थोड़ा सा मैं ले भी आई हूँ और हनी खड़ा है गली के बाहर, ऐसे उसने मुझे बोला है तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। लेट्स गो। और सामने ही दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है। लो जी दुर्गा पूजा देख लो और दुर्गा माँ के दर्शन भी कर लो। विशाली की गली के जस्ट बाहर लगा हुआ है और शिवानु देख रहा है भाई, बड़ी सुंदर मूर्ति है। तो जी ये सीआर पार्क का मेला ग्राउंड जहाँ पे दुर्गा पूजा लगी हुई है और अभी कुछ कुछ स्टॉल सेटअप भी हो रहे हैं, बट यहाँ पे खाने पीने का और बहुत चीज़ है। विशाली को तो दिख गया ये दियो ब्रह्मा का स्टॉल जिससे हम ले रहे हैं एक ये पेस्ट्री पाइनएप्पल वाली और एक सैंडविच। पाइनएप्पल पेस्ट्री चालू कुछ हो रहा है। लो जी सीआर पार्क के मेला ग्राउंड की माता की मूर्ति देख लो, एक सेकेंड फोकस फोकस फोकस, ये देखो भाई अभी इन्होंने ना पर्दा लगा रखा लेकिन साइड से दिख रही है। कोशिश करूँगा पास जाके दिखाऊँ बट पास में ना भीड़ बहुत है। सन कौन है? काली माता। काली माता कैसे कर रही हो? जय करो, जय कर दो, जय माता दी। एक्टिंग देखो, काली माता आ जाओ आ जाओ, वो नहीं आ सकती। थोड़ी सब्जी शॉपिंग हो रही है इधर, मतलब मेनली धनिया लेना था विशाली को। विशाली कह रही है मुझे चटनी बनानी है, शिवानु को भी लेके गई है। शिवानु कैसे लटकी हुई है भाई, बंदर लटकता है ना जैसे। हाय व्हाट आर यू डूइंग बेटा? बेटा क्या बाप ने आज बाल बनाए हैं? एक तो बाल मैं पीछे को बनाती हूँ, मैं बाल यहाँ बनाती हूँ, इसने यहाँ, दोनों इधर बनाए हैं। और भाई जहाँ बंदे हुए थे ना मैंने वहीं, वो बंदे नहीं हुए थे वो लूज हो गए, वहीं टाइट कर दिया। ये आ चुका है अपना डिनर, पनीर की सब्जी, छोले, राइस एंड रोटी। और शिवानु यहाँ देख रही है हेड शोल्डर नीज एंड टोज जो कि पंजाबी में है, तो शिवानु को ये भी पता होना चाहिए पंजाबी, इसीलिए हम दिखाते हैं इसको। देखते देखते क्या हो रहा है, खाना खाने तो डेढ़ घंटो ऊपर बनना। आज सुबह हनी का जो लेफ्ट फुट है वो ट्विस्ट हो गया, एंकल ट्विस्ट, एंकल नहीं हुआ उससे, और बेचारा कैसे खाना खा रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। बेड पे उससे बैठा नहीं जा रहा तो वो मूड़े पे बैठा है और शिवाना के टेबल पे बैठ के खा रहा है। मेरा पैर ऑलमोस्ट हवा में है, मैं एड़ी और सूज भी गया है ये पैर सेंटर से, अगर आप नोटिस कर पाओ तो। और मैं शिवाना को खाना खिला रही थी और वो भाग गई। और मैं इसको ऑफिस में मैंने बताया मेरे पैर में दर्द है, मैंने बोला मैंने हाथ लगा के चेक किया पहले, मेरा पैर मल गया, मैं चेक कर रही थी। इसने पता क्या किया, इसने सीधा जहाँ पे दर्द थी ना मैं उल्टा लेटा हुआ था, इसने पिचका दिया पूरा। ऐसा गलत बता रहा है गाइस, गलत फहमी पैदा कर रही है यार। एक्टिंग देखो, गम है इतना भी गम नहीं है जितनी आप एक्टिंग कर रहे हो, ठंडा हो गया। ओहो मुझे भूत चढ़ा है साबूदाना के डम्पलिंग बनाने का जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, और ये लाइटर लेके भाग गई, लाइटर दे दो। तो चटनी तो मैंने बना दी है और पनीर ना मेरे पास नहीं था तो जो मैंने सब्जी बनाई है आज पनीर की, उसमें से पनीर निकाल लिया है, धो दिया है, उसी को मैं बना दूँगी फिलिंग। तो चलिए, और मोमो की चटनी मैंने बनाई और मैंने ना सिर्फ एक ही ग्राइंड किया और मेरे लहसुन ऐसे रहेगा।
चाची सब सो गए हैं तो मैं इतना ज़्यादा शोर नहीं करना चाहती थी, तो मैंने एक ही राउंड किया बस मिक्सी का। गाइस मैंने पेड़ा तो उठा लिया लेकिन साबुदाना मेरा कब तक होगा मुझे ये नहीं पता। ऊपर से मैंने साबुदाना नायलॉन मंगाया है तो वो तो पता नहीं और टाइम लगाता है क्या होता है। आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाए। मैंने गर्म पानी में उसको बॉइल तो कर रही हूँ। सिवाना का एक बहुत अच्छा मसाज ऑयल है बेबी फॉरेस्ट का, इसके बहुत अच्छे हर्ब्स की खुशबू आती है इसमें। इससे करूँगी मैं हनी के पैरों की मालिश क्योंकि उसके जो वो जो क्रैक आया ना वो ट्विस्ट हुआ है ना अंकल, तो सच वॉक भी नहीं किया जा रहा था। थोड़ा सा मसाज करके उस पर पट्टी बांध लूँगी, होपफुली सुबह तक ठीक हो जाए। ऐसा बता दूँ कि साबुदाना डम्पलिंग्स अभी फेल हो गए हैं क्योंकि जो साबुदाना आया वो नायलॉन साबुदाना आ गया गलती से, तो वो तो मैश ही नहीं हो रहा। तो मैं अब ये रेसिपी पेंडिंग रखती हूँ किसी और व्लॉग के लिए, बट अभी के लिए बस व्लॉग इन करते हैं एंड सी यू टुमारो।